वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित हो जाएगा। दुनिया भर में इस पर शोध हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। जो खो गया उसको ढूंढा जाना चाहिए, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती, इसमें पार्टी का भी प्रश्न नहीं। कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, जिसकी भी आंख में पानी होगा वो कहेगा कि ढूंढा जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर चीज देखनी होगी, जैसा अभी हमारे मित्रों ने बात उठाई, ये वर्गीकरण जरूर होना चाहिए कि क्या यह वही बच्चे हैं जो किसी अन्य कारण से स्कूल नहीं जा रहे लेकिन घर पर है, तो फिर उनका नाम इससे डिलीट होना चाहिए लिस्ट से, या वो बच्चे हैं जो घर और स्कूल दोनों जगह से लुप्त हो गए, किसी दुर्घटना का शिकार हो गए, तो वो अलग से एक श्रेणी होगी। उस मार्ग पर प्रलय की चपेट में जो आ गए बच्चे वो एक अलग श्रेणी होगी। अगर केब सबको मिला देंगे हम तो मुझे लगता है फिर समाधान की ओर रास्ता नहीं जा पाएगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो यह स्थिति साफ होनी चाहिए, और हर स्कूल में एक तंत्र होता है और सारे स्कूलों का तंत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के पास होता है और सरकार के पास होता है। यह काम तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था कि यह बच्चे स्कूल भयवश नहीं आ रहे हैं या वास्तव में मिसिंग है, ये बात तो पता लगे, और यह स्कूल और परिजन मिलकर आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, जो स्कूल है वो छोटे छोटे इलाकों में स्कूल है, वहां की आबादी भी कम है, स्कूल का मास्टर भी लोगों को जानता है, लोग भी मास्टर को जानते हैं, ये प्रक्रिया आराम से पूरी हो सकती थी कि पता लगता कि भाई मेरी क्लास का लड़का कहां क्यों नहीं आ रहा, 10 दिन से 20 दिन से 1.5 महीने से, तो पता लग सकता है, तो एक आंकड़ा एक सूची हमारे पास उपलब्ध हो सकती है, तब शायद ज्यादा प्रभावी। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको टारगेट कहां करना है तो अंधेरे में तीर चलाने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अविकल जी ये एक अहम मुद्दा है। अविकल जी, खौफ जो है आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है लापता बच्चों को पता करना, क्योंकि वहां ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत का सदस्य है, छोटे छोटे गांव है, कम कम आबादी है, सब सबको जानते हैं। एमएलए है उसके साथ, पूरा सरकारी अमला है, पटवारी है, एसडीएम है, तो मेरे विचार से कोई इतना बड़ा काम नहीं। और जब इन्होंने 197 फिगर दी है तो कहीं ना कहीं सरकार ने काम किया होगा, तभी ये फिगर आई है। मेरे विचार से जल्दी ये तय हो जाना चाहिए कि बच्चे लापता हैं, मिल गए नहीं मिले हैं, तो उनको उनके परिवार के लोगों को सहायता प्रदान करना। और जैसे आपने कहा कि बच्चों की मानसिकता पर जो असर पड़ा है उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में, उसके लिए निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिकों की जो है वो सहायता ली जानी चाहिए और उस फियर को दूर किया जाना चाहिए। अमिताभ जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, अविकल जी यहां पर खौफ के समय में बच्चे जी रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले वक्त में उनके मन से इस खौफ को हटाने की। अनुज, जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा है कि ये फिगर पूरी तय हो जानी चाहिए, मुझे लगता है कि ये पूरी पड़ताल के बाद जो 197 नाम आए हैं ये मिसिंग में आए हैं। अच्छा, कि ये ऐसा नहीं है कि ये डर से नहीं जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल खुले हुए भी काफी दिन हो गए हैं और पूरे सामंजस्य के साथ ये सूची बनाई गई है, परिजनों से भी बात करके, स्कूली प्रबंधन के साथ भी, और जो वहां के शिक्षा अधिकारी हैं उनकी ओर से ये आंकड़ा जारी किया गया है। हाँ। तो जैसे ये कयास भी उठ रहे हैं कि हो सकता है कि डर के मारे नहीं जा रहे हो, ये भी सच हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जा रहे हो। हाँ। लेकिन एक बड़ी संख्या ये है कि वास्तव में ये लापता है। अब इस मानवीय जो और संवेदनशील जो इशू है, जो मुद्दा है जी, इस पर हमारी सरकार उतना ध्यान नहीं दे पाई जितने देने की जरूरत थी। बिल्कुल, अब उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में 40 दिन लग गए, तो सरकारी मशीनरी में कहीं ना कहीं जो जिनको राहत आयुक्त बनाया गया है, जो राहत कार्यों का जिनको जिम्मा सौंपा गया है, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं चीजों को। एक काम यहां बहुत जल्दी हुआ, अमिताभ जी आपको पता होगा कि सतपाल महाराज जी ने और उनके साथ एक विधायक ने सिर भी मुंडा लिया, मूछे भी मुंडा ली, मतलब इस तरीके के दिखावे वाले, हाँ पूरा मुंडन संस्कार हुआ था। इस दिशा में लोगों ने काम किया, हरिद्वार में एक शांति पाठ किया, एक बड़ा शांति पाठ हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी भी गए, उसमें हरीश रावत जी भी गए, तो ये सारी चीजें होती रही दिखावे के तौर पे कि हम बहुत मार्मिक है, हम बहुत संवेदनशील है, हम बहुत उनके प्रति सहृदय भाव रखते हैं, लेकिन इन बच्चों का जो बच्चे
काल के ग्रास बने हैं, क्रूर काल के ग्रास। अब सवाल जो हमने पहले उठाया था कि इनके परिवार का जीविकोपार्जन, इनको इस दृष्टि से अलग श्रेणी में रखना चाहिए कि इनके यहां कमाने वाला कोई नहीं है। जो नौनिहाल थे, जो भविष्य थी, जो नई पीढ़ी थी, ये खत्म हो चुकी है। 197 का मिसाल ये आंकड़ा है। हो सकता है कि इस आंकड़े में और भी बढ़ोतरी हो। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर उपाध्याय जी, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित रूप से मैंने जैसे आपसे आपके माध्यम से निवेदन भी किया है, अनुज जी की सरकार को नियमों में इसमें शिथिलता बरतनी पड़ेगी। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर लापता हैं, नहीं मिले हैं, नहीं रहे हैं, तो उनके परिवारों के लिए जो आपने तय किया है कि हम जो लोग नहीं रहे उनके परिवारों को ये सहायता देंगे, वही सहायता जो है नियम में शिथिलीकरण करते हुए सरकार जो है उन परिवारों को दे, यही इसमें किया जा सकता है। और अभी जैसे अभिकल जी ने कहा, ठीक है, हम मानते हैं कहीं पर कुछ चूक भी हुई होगी, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को इतनी कठिन परिस्थितियों में निकालना, और मैंने आपके चैनल ने तो बहुत अच्छा इसमें काम किया, लेकिन मैंने बहुत से चैनल को देखा, जब हमको इस पर ध्यान देना चाहिए था, चीजों को जो है फैलाने के बजाय अगर उसको कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश करते। कोई हनुमान जी की तरह नहीं है, यहाँ पर भी सरकार में भी आदमी होते हैं कि वो जो है भूल जाएंगे, लंका से जो है वो लांग लेंगे समुद्र को और सारा काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हम सरकार में भी लोग ही होते हैं। और उन्होंने जवाब प्रकाश पंत जी से ले लेते हैं जल्दी से, समय पूरा हो रहा हमारे पास। समय में जो काम प्रकाश जी, मेरे ख्याल से सरकार को साथ के साथ में काम करना चाहिए। अनुज जी, जो विषय आज आपने डिबेट के लिए रखा है, जी इस विषय पर 197 बच्चों के लापता होने के विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और जो 938 परिवार इस समय हमारे उत्तराखंड के प्रभावित हुए हैं, जिन 938 परिवारों के मुखिया या उन परिवारों के सदस्य लापता हैं, और सरकार ने एक विषय कहा 45 दिन के अंदर अभी तक उनको सहायता नहीं मिल पाई है, और उनको कोई आर्थिक अनुदान हम नहीं दे पाए हैं, उनके परिवारों को जो हमारे 278 ऐसे गांव हैं जिन गांव में आज संपर्क मार्ग कटा हुआ है, जिनके विस्थापन की बात कर रहे हैं, और 78 गांव तो ऐसे हैं जहां कोई आज दाने दाने को वो गांव मोहताज हो गए हैं, इसकी चिंता हम इन 45 दिनों में नहीं कर पाए। और उसके साथ साथ विषय आपको अमिताभ जी को संभवतः याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा, 1998 में एक मालपा कांड हुआ था, उस समय मैं विधायक था, MLC था यूपी में, और उस मालपा कांड में जो आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट है उसमें मालपा नाम का एक पड़ाव आता है जो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहां कोई पड़ाव नहीं है। उस पड़ाव में 200 लोग वॉश आउट हो गए थे, यात्री थे, और उस समय कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, और उस सरकार में ये तय किया था कि इन लोगों का, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनने का कोई प्रावधान नहीं था, और अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उसको क्लेम नहीं मिल पाएंगे, जो भी उसके परिजनों को सहायता मिल सकती थी वो नहीं मिल पाती, और उन्होंने एक आदेश के माध्यम से, शासन का आदेश हुआ, और ये माना गया कि ये सबके सब मृत माने गए, और सरकार ने उसको मृत माना। लेकिन यहां वो चीज नहीं हो पाई, यहां हम इस बात को नहीं कर पाए कि उनको हम क्लेम किस प्रकार से देंगे, केवल मात्र 2.5-3-4 लाख रुपए आप दे देंगे एक परिवार को, उससे उसका पूरा होने वाला नहीं। समझ गए प्रकाश जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हम समझ गए अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी, समय पूरा हो गया। देखिए, अगर जो बात अविकल थपलियाल जी ने कही, अगर वो बात सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, वो स्थानीय स्तर पर है, इसलिए मैं मानता हूं उनकी बात प्रामाणिक होगी, तब यह सरकार की जिम्मेदारी, मैं बहुत गौर से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिम्मेदारी और जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों थी कि अब तक उन बच्चों का मुआवजा उनके परिजनों तक पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल। अगर ये बच्चे भयवश स्कूल जाने की श्रेणी में नहीं है, ये वास्तव में दुर्भाग्य का शिकार हो गए, तो इन बच्चों के माता पिता को हम उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जिंदगी के को फिर पटरी पर ला पाए, उसके लिए जो शासन के स्तर से हो सकता है, जो हमारी सोशल वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसके तहत कर देना चाहिए था। और दूसरी बात प्रकाश भाई ने जो कही, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस तरह की बड़ी त्रासदियों में दुनिया भर के उदाहरण हैं, किशोर भाई इस ओर ध्यान देंगे और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, दुनिया भर में इस बात के उदाहरण है कि जब बड़ी त्रासदियां हुई किशोर जी, तो इंडिविजुअल सर्टिफिकेट
और बाबूइज्म से उनको परे कर दिया जाता है। तब ये नहीं कहा जाता कि एक एक आदमी तहसीलदार से पटवारी से दस्तखत करा के लाओ। सरकार एक निर्णय लेती है और उस निर्णय के तहत सबको जो करना है वो ट्रीटमेंट देती है। ये होता है ना, जब आप जब कहीं बम विस्फोट हो जाता है तो अस्पताल में कोई फॉर्म भरवाता है क्या? नहीं ना, सामान्य स्थितियों में तो फॉर्म भर के बिना इलाज नहीं होता। कोई साइन कराता है किसी से कि भाई आपकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, साइन करो तो अंदर ले जाए नहीं तो बाहर मरो। यह आपत्तिकाल था, इसमें नियमों में शिथिलता होनी चाहिए। अब नहीं हुई अभी तक, अगर तो अब होनी चाहिए। बिल्कुल, जब हम ये बात उठा रहे हैं तब मैं चाहूंगा कि किशोर जी इस बात को सत्ता के उस केंद्र तक ले जाएं जहां निर्णय होते हैं। ये मानवीयता का सवाल है, ये उत्तराखंड की प्रतिष्ठा का सवाल है। बिल्कुल, पूरे देश की निगाहें लगी हैं। अरे देश और दुनिया तो जो कर रही है कर रही है, लेकिन सबसे पहला फर्ज तो हमारा और आपका बनता है किशोर जी, उन लोगों का बनता है जो खुद मुख्तार है, जिनके हाथ में उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बनाने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम भाग सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कोई भाग सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि उन लोगों को कम से कम सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। मैंने बहुत देखा इनाम बोलकर इनाम नहीं देते, ये तो मुआवजा है प्रकाश भाई। इनाम बोल के इनाम नहीं मिलता लोगों को, इनाम के लिए चक्कर काटते हैं। ऐसे उदाहरण दे दूं, और ऐसे ऐसे जो देश के आइकॉन हैं उनको चक्कर लगाते मैंने देखा, बाबू के यहां बेंच पर बैठे देखा घंटों घंटों, और बाबू कान में पेंसिल लगा के कहता है कि नहीं नहीं वो सर्टिफिकेट ले आओ चार फिर बात करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जो आदमी पीड़ा की गहरी खाई से गुजरा है, सुरंग से गुजरा है, ईश्वर की कृपा कि वो बच गया, कम से कम उसको हम मरहम का हाथ होते, जितना जो कुछ जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उसको प्रशासनिक जटिलताओं से मुक्त रखिए। मैं अब दोनों मेहमानों से कहूंगा कि प्रकाश भाई भी सक्षम राजनेता है उत्तराखंड के, ये भी इस बात को पुरजोर ढंग से सामने रखे। किशोर जी सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता है, वो इस बात को सरकार का ध्यान खींचे कि कम से कम जो नौकरशाहीगत प्रक्रियाएं हैं ना, जटिलताएं हैं, उनसे इस आपदा को परे रखिए, पीड़ितों को परे रखिए। एक तो परिवार का आदमी खोने का गम, ऊपर से सर्टिफिकेट बनवाना कितना कठिन काम हो जाता है। किशोर जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनसे परे रखिए। एक उदाहरण प्रकाश जी ने दिया है, अविभाजित प्रदेश था तब, नजीर भी है कल्याण सिंह के समय की बताई, अच्छी बात है। वैसा कुछ होना चाहिए जिससे जो भी लोग अब हैं वो एक नया जीवन शुरू कर सके, और ऐसा जीवन शुरू कर सके जिसमें उनको लगे कि समाज, शासन और सरकार सब उनके साथ दुख की घड़ी में खड़े रहे। बहुत 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 शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रकाश पंत जी आपका बहुत शुक्रिया, किशोर उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, विकल्प थपलियाल जी हमारे रेजिडेंट एडिटर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइट। हेलो हेलो, रिफ्रेशिंग मिनी गन आज ली क्या? सुपर न्यूज
Cover by Supertech. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में रंग, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अप...